वो एक बैग लेने के लिए पेशावर से इस्लामाबाद से बार बार आएगा जाएगा। दस दिन की तुम्हारी छुट्टी होगी, बीस दिन तुम्हें यहीं पे लग जाएंगे, 10 दिन सिर्फ तुम्हारा अपना सामान क्लियर में लग जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो क्राफ खड़ा है इसके एक्सपेंस पड़ रहे हैं, PIA को पढ़ने चाहिए। मैं सर टोटल 24 घंटे हो गए मुझे, मैं जद्दा से आया था, दमाम से आया हूँ, एयरपोर्ट पे आके 3 बजे मैं पहुंचा हूँ, वहाँ पे स्टाफ को कोई एक पर्सन था ही नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। शाम 4 बजे मुझे कॉल आई है कि जी आपकी फ्लाइट लेट है, शाम चार बजे का क्या मतलब है? मैं जो तीन बजे का आके बैठा हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। इवन मैंने उनसे पूछा है कि आप मुझे कोई होटल अरेंज करके देंगे, अगर किसी भी कंट्री की कोई भी फ्लाइट लेट होती है वो लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं, किसी ना किसी जगह पे आपको ठहराते हैं, आपको खाना पूछते हैं। अभी भी यहाँ पे आके एक आदमी यहाँ पे आके आपको सिर्फ इतनी बात बोलते चला गया, जी मैं जी यहाँ का जी मैनेजर हूँ, जो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर का है, ग्राउंड का हम उसको क्या करें? उसने ये नहीं कहा, कम से कम हम बेवकूफ मजीद बेवकूफ बना देते हैं, आए जी आपके लिए हम लोगों ने बफे का इंतजाम किया है, आप आके अपना लंच ब्रेकफास्ट कर लीजिए। कम से कम इतना भी किसी ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा भाई? हम लोगों ने पैसे दिए हैं। अब ये जो हम लोग यहाँ पे इसलिए बताते नहीं सच, देखिए सबसे बुरी बात इन्होंने यहाँ वहाँ से जब फ्लाई किया, इनको पता था अगर वेदर खराब है, क्यों इन्होंने हमें गाइड किया कि 3.5 घंटे में हम लाहौर पहुँच जाएंगे। इवन उसके बाद जब ये लैंड कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए हम लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं या कराची एयरपोर्ट पे, उतर जाने के बाद हम लोग सब मुतमिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए, मौसम ठीक है, हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। उतरने के बाद एक बात आप जेन में रखें, पुलिस हमें कुछ नहीं कह सकती। अच्छा मेरी बात सुने, ये मीडिया को बुलाए ना, साथ में फोन करें ना, मीडिया को बुलाइए। सर देखिए मीडिया तक बात खुद ही जाएगी, वो कैसे जाएगी? कॉमन सेंस की बात है। ये जो क्राफ्ट है, ये दूसरी फ्लाइट को लेकर जाना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे जलील हो रहे थे, इसी तरह बहुत सारे ये 150 पैसेंजर अभी वेट कर रहे हैं इस क्राफ्ट के लिए। जब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, वहाँ से वो लोग लेट होंगे इंशाल्लाह। सर हम नहीं कर सकते ना, लेट्स गो, तुम्हारे पास भी कोई चीज नहीं है। जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, जिनको इस जहाज पे जाना है, इंशाल्लाह उनमें से कोई एक आदमी जरूर उठेगा, हम तो भी अभी स्टक है ना, किसी के मोबाइल नहीं है, किसी के पास कॉन्टेक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, वो लोग जो बाहर है वो चले जाएंगे।